थोड़ा सबसे खोलो पूजा ना तो गाड़ी पे छू के ना एक वाली मैं ये उठ गया और यहां ना सुन रहा है ये लाइसेंस रद्द करो सीधो थोड़ा सता दे वाट कर के क्या ओला को लाल काले कोई नग तक सोम रे हटा दे वो हो जाए हटा दे फाइल तो नहीं जमा करेंगे सैटरडे संडे को आज मंडे को अगर फाइल जमा करते हैं तो इनकी 15 तारीख लास्ट डेट है आरपीएससी का आप कहोगे तो हम तो कर लेंगे लेकिन कोई जरूरी नहीं अगर नहीं बना तो ये तुम कह देंगे आज ही बना करके ठीक है नहीं आप लिख करके दे जाना कि हमारा अगर बन जाता है तैयार हो जाता है तो ठीक है नहीं तैयार होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है आप ही 15 तारीख को लास्ट डेट है 15 मेरा नाम सुरेश कुमार क्या मामला है ऐसा है कि अभी जो वर्तमान में प्रधानाध्यापक की जो भर्ती निकली हुई है उसमें 5 साल के लिए अनुभव की चाहिए और उस पर DO काउंटर सिग्नेचर चाहिए जिसके लिए 1.5 सारे डॉक्यूमेंट मंगवाए पहले इन्होंने 18 मंगवाए थे बाद में 3 किए तो हम लगातार वो 3 भी लेके आ रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से वो छोटी मोटी कंप्यूटर निकाल के उस फाइल को मतलब रोक देते हैं इस पर मैं लगातार 10 दिन से आ रहा हूँ मेरे पास टिकट अवेलेबल है 10 दिन की मैं पर डे यहाँ आता हूँ और पर डे वापस शाम को 6 बजे ट्रेन से चला जाता हूँ किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं मिलता है कई बंधु आज ऐसे भैया खड़े हैं साथ में इनको भी इनकी फाइल अब तक जमा नहीं हो पाई है इनको कोई कमी बताते गए और फाइल जमा नहीं की जब तक फाइल जमा नहीं होगी तब तक सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं अभी आज DO साहब ने जब कहा है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आज छुट्टी है किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा और साथ में ये भी कहा है कि आगे सोमवार को भी हम किसी प्रकार की फाइल नहीं लेंगे अगर आपको फाइल लेनी थी तो पहले जमा करवानी थी समस्या प्राइवेट स्कूलों में है प्राइवेट स्कूलों में बड़ी मुश्किल से डॉक्यूमेंट मिलते हैं अब मुश्किल से लेके आए और ये बिल्कुल नकार रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे डॉक्यूमेंट में उन्होंने 17 लिस्टें उनमें आपकी नाम जन्मतिथि आपका रिज्यूम उसके साथ विज्ञापति स्कूल की मान्यता DO की मतलब माध्यमिक की मान्यता उसके साथ में अटेंडेंस रजिस्टर जो संबंधित हैं उसके अलावा वेतन वाउचर वेतन पत्रक इसके अलावा भी मांगा उन्होंने विज्ञापति मांगी है जो संशोधन आदेश निकाला उसमें क्या क्या उसमें 3 चीज़ें मांगी है संशोधन आदेश उन्होंने एक नियुक्ति लेटर मांगा है और एक उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर का है और एक SR मतलब जो कैशबुक है कैशबुक की कॉपी चाहिए वो सब आप लेके हाँ वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है सर लास्ट डेट कब है लास्ट डेट 15 तारीख है और इन्होंने कह दिया कि हम सोमवार को भी डॉक्यूमेंट नहीं लेंगे और हम सब खड़े की वजह क्या बता रहे हैं नहीं लेने की वजह हमारे पास समय नहीं है आपको पहले जमा करवाना थी अब हम इतना काम एक साथ नहीं कर सकते आप इतने दिन कहाँ थे आपको पहले डॉक्यूमेंट जमा करवा देना चाहिए थे मैं प्रवीण दवे कहाँ से मैं बालोतरा से आया हूँ बाड़मेर जिला बहुत बड़ा है आने जाने में भी 6 से 7 घंटे लगते हैं अब रोज़ वो नकार देते हैं आज नहीं आना कल आना वो पेपर लेके आओ वो पेपर लेके आओ तो रोज़ प्राइवेट स्कूल में आने जाने का भी खर्च लगता है इतना वेतन भी प्राइवेट स्कूल देती नहीं है और आने जाने में हमको काफ़ी समय वेस्ट होना पड़ता है तो इस कारण हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट हम 3-4 दिन से रोज़ चक्कर काट रहे हैं आज हमारे सबमिट किए जाएँ जिससे कि हमारी जो समस्या है वो समाधान हो सके तो आज क्या जवाब दिया गया हम सुबह से 9 बजे से आए हुए बैठे हैं कल हमको कहा था कि कल ले लेंगे कि आज छुट्टी नहीं है आज कह रहे हैं कि आज छुट्टी हम लेंगे नहीं जो सदाराम जी या जो भी पर्टिकुलर व्यक्ति है वो क्या आज अनुपस्थित है और ये अंदर चेक करके कि ये आज कमी है आज वो कमी है आज ये कमी है तो हम कैसे जमा कराएं सुनने महाराज आपको यहाँ से ऑफिस से निकल गया हाँ हमको ये भी कहा गया यहाँ से चलिए जहाँ जाना है जाइए हम आप लेंगे नहीं ऐसा भी हमारे साथ एक पशु की तरह अभद्र व्यवहार किया गया कहकर चले जाइए यहाँ से आपको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है ऐसा है कि प्रधानाध्यापक RPSC द्वारा जो भर्ती निकली है उसके लिए निजी शिक्षण संस्थान के जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिनकी फाइल हमारे पास में जमा हो गई और
टोटल कल तक कितने जारी किए हुए हैं? 54 हम जारी कर चुके हैं निजी विद्यालय में। हाँ, निजी विद्यालय भी हैं केवल। तो इसके बाद में हमारे पास में साथ जो फाइल अभी पेंडिंग है, जो कि हमने कल तक लिए हैं, 11 तारीख शाम तक लिए हैं, इन फाइल को निपटाने के लिए कार्यालय का आज का अवकाश है, सैटरडे का और कल संडे का। उसके बावजूद भी आप स्वयं देख ही रहे हैं कि सभी जांचकर्ताओं को बुला करके जांच करवाई जा रही है 3 कक्षों के अंदर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अति शीघ्र इनकी फाइल जो है निपट करके इनको शैक्षणिक अनुभव मिल जाए। मापदंड जो है उनमें 3 मुख्य मापदंड हैं कि विद्यालय के द्वारा, विद्यालय की जो समिति है या संस्था प्रधान है, उसके द्वारा उनको नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं ऑथेंटिक रूप से, और जिस डेट से जिस डेट तक का वो अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति रजिस्टर जो है उसकी फोटोकॉपी प्रमाणित हो। तीसरा है कि उनको जो वेतन दिया गया है उस वेतन का वेतन वितरण पंजिका और कैश बुक की फोटो प्रति हो और उसमें उनका इंद्राज हो। ऐसा है कि प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए अंतिम तिथि 15 तारीख जो है 15 मई आरपीएससी ने बढ़ाई है, और चूंकि 15 मई बहुत नज़दीक है, इसी वजह से अवकाश के दिनों में भी कार्य किया जा रहा है कि कोई वंचित नहीं रह जाए। बाकी कल शाम तक हमने आवेदन पत्र सभी के लिए, सभी फाइल लिए हैं, और इनका निस्तारण अति शीघ्र हम खड़े प्रत्याशी बोल कह रहे हैं कि भैया 10 दिन से हम आ रहे हैं, हमारी फाइल जमा नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कल शाम तक की सारी फाइल ली हैं। अब 10 दिन से कोई आ रहा है वो तो कह रहा है, तो इस चीज़ को गलत कह रहा है। जब स्वयं मैं शाम तक यहाँ मौजूद हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता कि फाइल हमारी नहीं ली है।